चलो ना स्टार्ट करते हैं आप लोग बड़ा आज के लेक्चर में। कल मैंने क्वेश्चन नंबर शायद मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था, क्वेश्चन नंबर 4 में जो हमने होमवर्क दिया था तो मैंने बोला था कि किसे इनकम माना जाएगा, किसे एक्सपेंसेस माना जाएगा, आई एम सॉरी जितने भी ये पेमेंट्स है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जितने भी ये पेमेंट्स है इसमें से किसको इनकम है, किसको हमें असेट्स, आई एम सॉरी इनकम नहीं, किसे हमें एक्सपेंसेस मानना है, किसे असेट्स मानना है, किसे लॉस मानना है, ये हमें बाइफरकेट करना होगा। लेट्स सी कम टू क्वेश्चन नंबर 4 का पॉइंट नंबर 1। टोटल 12 पॉइंट्स है, मैं फटाफट से सभी पॉइंट्स में क्लियर करता हूँ। पहला पॉइंट को हम एक्सपेंसेस मानेंगे, सेकंड को एक्सपेंसेस, थर्ड को असेट्स, फोर्थ को लॉसेस, फिफ्थ स्लो, ठीक है। फर्स्ट एक्सपेंसेस मैं इसे समझा देता हूँ अभी आप लोगों को एक बार, और फिर मैं आंसर बता देता हूँ, और फिर आप लोग मुझसे पूछेंगे इसका आंसर क्यों, लॉजिक के साथ मैं आपको जवाब दूंगा। मैं पॉइंट नंबर 1 का हम बात करेंगे एक्सपेंसेस, सेकंड का अगेन एक्सपेंसेस, थर्ड इज असेट्स, फोर्थ इज लॉस, फिफ्थ इज असेट्स, हाँ मुंह मत करो बेटा सिर्फ सुनते जाओ बेटा, सिक्स इज एक्सपेंसेस, सेवन इज ऑल्सो एक्सपेंसेस, एट इज असेट्स, नाइन्थ इज एक्सपेंसेस, टेंथ इज लॉस, इलेवेंथ इज क्या आपके पास एक्सपेंसेस, एंड ट्वेल्थ इज क्या आपके पास बेटा असेट्स, इलेवेंथ इज एक्सपेंसेस और ट्वेल्थ इज असेट्स, और असेट्स क्या क्या ब्रैकेट में कैपिटल एक्सपेंडिचर, सारा सही है, किसके सारे गलत उसका प्राइस दिया जाएगा, कोई ऐसा स्टूडेंट जिसके सारे गलत हैं वो हाथ खड़ा करें, उसको 5 स्टार ली जाएगी उससे बेटा, दीनी गलत नहीं होना चाहिए सर, ठीक है। लेट्स सी मैं सबसे पहला पॉइंट बात करता हूं आपके लिए, यहाँ पेड रेंट टू लैंडलॉर्ड, आपने मकान मालिक को रेंट का पेमेंट किया, बट ऑब्वियसली बात मैं नहीं बताऊं तो भी अल्टीमेटली आपके क्या बड़ा एक्सपेंसेस है, बोलो हाँ है ना, क्लियर। दूसरा पॉइंट की वन मोर थिंग, मैं कल मैंने आपको पूरा समझाया था एक्सपेंसेस किसे कहा जाएगा, इनकम असेट्स किसे कहा जाएगा, लॉस किसे कहा जाएगा, इन चीजों के बारे में हमने लेक्चर में डिस्कशन आपके साथ किया था, बोलो हाँ है ना, क्लियर। अब मैं अगले पॉइंट के बारे में आप लोगों से यहां बात करता हूं, थोड़ा ध्यान से आप लोग समझना। पॉइंट नंबर 1 हो गया, पॉइंट नंबर 2 आपने इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट किया बाय चेक, पेमेंट है बाय चेक करो, पेमेंट बाय कैश करो, इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, अल्टीमेटली खर्चा तो खर्चा ही होगा, चेक के पेमेंट करने के, आपने प्रीमियम का पेमेंट किया, और मैंने आपको बताया था कल के, अगर आप कोई पेमेंट कर रहे हो उसका बेनिफिट आपको सेम अकाउंटिंग पीरियड में ही मिलता है, तो सच पेमेंट इस कॉल्ड एज क्या बनेगा आपके पास बड़ा एक्सपेंसेस। अभी इंश्योरेंस प्रीमियम आपने इस साल के लिए पे किया, या कुछ प्रीमियम इस साल का है, कुछ प्रीमियम आपका नेक्स्ट ईयर का है, ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आप अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगा के मत सोचना सर प्रीमियम हमने इस साल किया होगा, 6 महीने का, इस साल का, 6 महीने का, अगले साल का, क्या क्वेश्चन में ऐसा कोई हिंट गिवन है क्या, नहीं तो आपको लगाने की आवश्यकता नहीं, तो इसे पूरा का पूरा एक्सपेंसेस ट्रीट किया जाएगा। थर्ड पॉइंट के बारे में जब बात करते हैं, इश्यू चेक इन द फेवर ऑफ वर्मा सन्स फॉर सप्लाई ऑफ फर्नीचर, मतलब हमने चेक इश्यू किया किस लिए, फर्नीचर को सप्लाई करने के लिए, फर्नीचर ने सप्लाई, विजय एंड सन्स नाम लिखा हुआ है ना, अच्छा वर्मा एंड सन्स ने हमें कुछ फर्नीचर दिया, अब फर्नीचर से क्या प्रॉपर्टी क्रिएट हो रही है, यस, इसका बेनिफिट मोर देन अकाउंटिंग पीरियड है, यस, खर्चा तो ये भी है, ये खर्चा कैपिटल नेचर का है, बट इस कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस की वजह से प्रॉपर्टी क्रिएट हो रही है, तो इस कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम असेट्स नाम दे देंगे, आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स, इसलिए ये असेट्स है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में आप लोगों से बात करता हूं, पॉइंट नंबर 4 के लिए, हमने किसी को चेक दिया, क्यों दिया, कोई डैमेज हो गया था, डैमेज के बदले में हमने उसको क्या किया, क्लेम का पेमेंट किया, क्या डैमेज के लिए हमने पेमेंट किया, बट डैमेज की वजह से हमें बिजनेस में कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, हैंस ये दैट विल बी क्या बनेगा, आपका लॉस बनेगा, इसे आप एक्सपेंसेस मत मानना, हमने क्लेम का पैसा पे किया, डैमेज के लिए पैसा दिया, डैमेज के लिए पैसा देंगे तो इसकी वजह से हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, इसलिए हम इसको क्या मानेंगे, लॉस मानेंगे, एक्सपेंसेस नहीं मानेंगे, इज इट क्लियर। सो एग्जांपल मैं आपसे बोलता हूं कि आपने गुड्स परचेज किया और गुड्स परचेज करने के बाद चोरी हो गया, तो चोरी हुई को हम क्या बोलते हैं, लॉस, वो लॉस है, वो आपका एक्सपेंसेस नहीं है, क्योंकि जब हमने फर्नीचर को परचेज किया था तो हमने उसको एक्सपेंसिव ट्रीट कर दिया था, बोलो हाँ है ना, बट अल्टीमेटली ये आप इस एक्सपेंस का बेनिफिट नहीं उठा पाओगे, तो इसे हम क्या बोलेंगे, लॉस, इज इट क्लियर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट के बारे में आप लोगों से हम बात करते हैं, अगला पॉइंट क्या होगा, बड़े ध्यान से आप लोग समझिएगा, पॉइंट नंबर 4 के बाद पॉइंट नंबर 5 के बारे में आप लोगों से हम बात करते हैं, यूज नहीं
इंस्टॉल्ड मशीनरी स्मॉल प्रिंटर मशीन फॉर कॉस्ट ₹90 अमाउंट से कभी भी देख के आप किसी आइटम को एक्सपेंडिचर या असेट ट्रीट मत करना, ये हमेशा ना आप सोचते बड़ा अमाउंट होगा तो असेट्स होगा, छोटा अमाउंट होगा तो क्या होगा आपके पास एक्सपेंसेस, ऐसा नहीं है। तो बेस्ट एग्जांपल में आप लोगों के पास जो कैलकुलेटर है उसके बारे में आप लोगों से बात कर रहा हूं। जो कैलकुलेटर आपने परचेज किया, लेट एग्जांपल ₹350 का कैलकुलेटर, बट दिस इज असेट्स बिकॉज ये प्रॉपर्टी क्रिएट हुआ, उसके बेनिफिट मोर देन वन अकाउंटिंग मिलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज असेट्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? बोलो हाँ है ना, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में आप लोगों से हम बात करते हैं, अगला पॉइंट क्या होगा बड़े ध्यान से आप लोगों को समझना। पॉइंट नंबर, तो ये जो प्रिंटिंग मशीन आपने परचेज की है इससे प्रॉपर्टी क्रिएट हो रही है, उसके बेनिफिट मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड मिलेंगे, इसीलिए इसको क्या कहा जाएगा, असेट्स कहा जाएगा। इज इट क्लियर? हमने रिपेयर्स के लिए, हमने फर्नीचर के लिए रिपेयर किया तो ये खर्चा कैपिटल नेचर का है, रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस होगा, कैपिटल नेचर का एक्सपेंसेस नहीं माना जाएगा। आपके दिमाग में अगर ये फिट बैठा हुआ है कि असेट्स के लिए जो खर्चा किया जाता है वो खर्चा कैपिटल नेचर है तो गलत है, ध्यान रखना। अगर असेट्स के लिए हमने कोई एक्सपेंसेस किया और असेट्स के लिए एक्सपेंसेस करने की वजह से उस असेट्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, प्लीज ध्यान समझना। सबसे मुद्दा पॉइंट ये होगा कि कोई असेट्स के लिए, आपको दिमाग में ये फिट है कि अगर हमने कोई भी असेट्स के रिगार्डिंग खर्चा करेंगे तो खर्चा कैपिटल है, तो 100% रॉन्ग डेफिनेशन है। अगर कोई असेट्स के लिए हमने परचेज किया और से एग्जाम्पल कुछ सालों बाद उस असेट्स को रिपेयरिंग हम करवाते हैं, रिपेयरिंग करवाने की वजह से उसकी जितनी ओरिजिनल कैपेसिटी थी उससे भी ज्यादा उसका क्या हो जाता है बेटा, कैपेसिटी बढ़ जाती है। से एग्जांपल मैं बोला कि मैंने एक प्रिंटर परचेज किया, 15,000 रुपीज में प्रिंटर परचेज किया, ध्यान से समझना, एक मिनट में 4 पेपर प्रिंट आउट निकालता है, हेलो पर ध्यान से आप समझना क्या बात कर रहे हैं कि हमने एक 15,000 रुपीज का प्रिंटर हमने परचेज किया जो कि एक में 4 पेपर प्रिंट था, बट
हेलो, हम बात कर रहे थे प्रिंटर के बारे में, आप लोगों से बात कर रहे थे। एक 15,000 रुपीज ने क्या किया किया हेलो हमने 15,000 रुपीज का क्या किया, प्रिंटर परचेज। 1 मिनट के अंदर 4 कॉपी प्रिंटर। हेलो 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 हेलो, हम बात कर रहे थे किसके लिए। एक प्रिंटर हमने परचेज किया 15,000 रुपीज का, और इसके लिए हमने बात की, ये 1 मिनट में 4 पेपर ही प्रिंट आउट निकाल पाता है। ना मेरे ध्यान से आप लोग समझना, कुछ समय के बाद आपने क्या किया, इस प्रिंटर के अंदर आप समझना, 15,000 रुपीज का आपने क्या किया, इसमें एक्सपेंसेस किया। बोलो हाँ, है ना, बोलो क्लियर। आवाज आ रही, बीच पर रुक रही उससे, बट नाउ थोड़ा ध्यान से आप लोग समझना, 15,000 रुपीज का हमने परचेज कर लिया। अब आपने कुछ समय बाद, 2 ईयर्स लेटर बाद में क्या किया आपने, इसमें 3,000 रुपीज का आपने क्या किया, एक्सपेंसेस किया। ये जो आप एक्सपेंसेस करते हो, इसकी वजह से कुछ नहीं, अभी भी वो क्या करता है, वो 1 मिनट में 4 पेपर ही प्रिंट आउट निकाल रहा है। क्या इसकी कैपेसिटी में कुछ इंक्रीमेंट हुआ है क्या? नहीं। ये खर्चा आपका क्या होगा, रेवेन्यू नेचर का ही एक्सपेंसेस माना जाएगा। बट एक्सपेंसेस करने के बाद इसकी कैपेसिटी हो जाती है 1 मिनट में 6 पेपर, तो क्या इसकी कैपेसिटी में इंक्रीज हुआ? यस। तो ये खर्चा क्या बनेगा आपके पास, कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। थोड़ा इससे भी आवाज अच्छी नहीं आ रही, 2 मिनट देखते हैं इसकी आवाज की प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। क्या पॉइंट सभी को समझ में अच्छे से आया? तो मेरा आप लोगों से क्या बोलना है कि जो खर्चा आपने किया, अगर ये उतना ही कर रहा है, मतलब खर्चा इतना करने के बाद भी इसकी कैपेसिटी में कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ, तो जो भी खर्चा किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाता है। तो प्लीज ध्यान समझना, आप कभी भी यह मत समझना कि असेट्स के लिए खर्चा किया तो कैपिटल होगा या फिर क्या होगा, रेवेन्यू ऑलवेज कैपिटल होगा, ऐसा नहीं। असेट्स के लिए, जिस असेट्स के लिए हमने खर्चा किया, अगर ये खर्चा करने की वजह से उसकी कैपेसिटी में कोई इंक्रीमेंट नहीं होता है, ये खर्चा क्या होगा आपके लिए, रेवेन्यू। तो बेस्ट एग्जांपल में इस क्लासरूम के बारे में बात करता हूँ, जो आपका बचपन से रटा हुआ एग्जांपल है। तो बताओ, क्लासरूम के अंदर पेंटिंग पेंट करवाया, आप फिर बोलोगे क्या बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर, वैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि इस पेंट करवाने की वजह से इस क्लासरूम की कैपेसिटी इंक्रीज नहीं हुई है। बोलो हाँ, है ना, दैट्स द इंपॉर्टेंट पार्ट। सो एग्जांपल, अगला एग्जांपल मैं बात करता हूँ कि मैंने इस रूम के अंदर, ये रूम पूरा पैक हो जाता है, तो मैंने क्या किया, इसमें एक स्लैब और डलवा दिया, पार्टीशन करवा दिया, से बीच में पार्टीशन ही करवाया मैंने, एक फ्लोर यहाँ पे बीच में एक फ्लोर लगा दिया, ऐसा सकता है। और कुछ बच्चे ऊपर बैठ के पढ़ते हैं, कुछ बच्चे नीचे बैठ के पढ़ते हैं। आप तो क्या एक्सपेंडिचर किया, अभी तक इस बैच में 80 बच्चे बैठ सकते थे, अब जो लोग 80 बच्चे से ऊपर पढ़ नहीं सकता हूं मैं इस रूम के अंदर। तो मैं सर को बोला कि इसमें एक स्लैब और बिठवा दो, ऐसे यहाँ पे बच्चे झुक के आके बैठेंगे आराम से, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, और कुछ बच्चे ऊपर आके बैठेंगे। तो क्या एक्सपेंडिचर किया, तो इसी रूम में बीच में पार्टीशन फ्लोर जैसा कुछ बना दिया, क्या खर्चा वो किया? यस, वो खर्चा क्या होगा, रेवेन्यू या कैपिटल? कैपिटल, क्योंकि इस रूम की कैपेसिटी में इंक्रीमेंट हुआ है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? क्या पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? ठीक है, चलेगा। अभी आवाज थोड़ी सी सही कर दो ना भैया। हाँ, क्योंकि भैया आवाज वैसी इतनी अच्छी है तो मधुर बन जाती है इसके बाद। नाउ क्या पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? बोलो, मुझे लग नहीं रहा है कि आवाज पहुंच रही है पूरी रिकॉर्डिंग में भी ऐसा। हेलो हेलो, क्या पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है, जवाब दो। क्लियर। तो खर्चा कैपिटल और रेवेन्यू, क्या समझ में आपको अच्छे से आया बेटा? क्लियर, दैट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में अपन जब चर्चा आपके साथ करते हैं, तो अगला पॉइंट क्या होगा बड़े ध्यान से समझना। नाउ अगले पॉइंट के, हाँ चेक कर लो नाउ, बड़े ध्यान से लोग समझना। पॉइंट नंबर 4 के बारे में डिस्कशन आपने कर लिया भैया, एक बार हाँ चेक कर लेना उधर भी। नाउ अब हम कहाँ कर लिया था बेटा, पॉइंट नंबर 7, सैलरी का पेमेंट क्या, एक्सपेंसेस
बोलो हाँ है ना, क्लियर। नेक्स्ट, परचेज ट्रेडमार्क पेटेंट्स असेट्स, इज इट क्लियर? नाउ ऑफिस के लिए हमने स्टेशनरी के लिए पैसा पे किया, अगेन एक्सपेंसेस, क्लियर? कंपनसेशन पे किया एम्प्लॉई को, लॉस, क्लियर? हमने बॉट गुड्स फॉर कैश, एक्सपेंसेस। हमने लोडिंग एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस पे किया किसके बेटा, मशीन के लिए। समझना बेटा, एक वंडा है, किसी असेट्स को परचेज किया और असेट्स को जब इंस्टॉलेशन तक करने तक जितने भी खर्चे होते हैं उन खर्चों को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और कैपिटल एक्सपेंडिचर को असेट्स की कॉस्ट में क्या किया जाएगा, एड किया जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? से एग्जांपल, मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। मान लो गर्मी का मौसम है, आप लोगों ने घर जाके एसी परचेज किया, घर जाके क्या, घर जा रहे थे तो लगाया घर जाके बहुत गर्मी लगेगी, तो से एग्जांपल हमारा इंदौर के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक शोरूम है या रिलायंस डिजिटल के वहां गए और रिलायंस डिजिटल से आपने क्या किया, एक एसी परचेज किया। एसी की कीमत कितनी थी, 25,000 रुपए थी, कितना, 25,000 रुपीज आपके पास था। बट आपने एसी परचेज किया तो जो सेल्समैन ने था, सेल्समैन ने बोला सर आपको एसी को इंस्टॉलेशन करवाना है क्या घर पे, यस। आपने बोला हाँ करवाना है सर, उसके लिए 1,000 रुपीज अलग से चार्ज पे करने पड़ेंगे। बताओ एसी की कॉस्ट कितनी है, 26,000 से 25,000, जबकि आपने 25 पे किया, जबकि 5,000 प्लस 1,000 तो टोटल कॉस्ट ऑफ एसी कितनी होगी बेटा, 26। मतलब असेट्स को इंस्टॉलेशन करने तक के जितने भी आपके एक्सपेंस होंगे उन एक्सपेंस को क्या बोलेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। वो समझ में आया, क्लियर? नाउ ये पॉइंट है किसी क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। मैं पॉइंट नंबर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूंगा बेटा, इनकम के बारे में बात करेगा। तो इनकम होगी तो क्या ट्रीट किया जाएगा, इस चीज के बारे में अपन को यहां पे समझना है। आप क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसीप्ट्स आर इनकम, इनमें से कौन सी चीज, अब 10 पॉइंट है, कौन कौन इसमें से इनकम है इस चीज के बारे में बताना है आपको, इनकम है या इनकम नहीं है, फटाफट सॉल्व करो, इनकम है या इनकम नहीं है, इनकम है यस नहीं है, तो नो, तो डाउट है बेटा, बोलो बोलो। नाइन्थ वाला क्वेश्चन नंबर 4 का पॉइंट नंबर 9, किसने पूछा, हाथ खड़ा करो, मैं आवाज, यस। ऑफिस के लिए आपने स्टेशनरी परचेज किया, आपके हिसाब से असेट्स हो रहा होगा ना, पर मेरे हिसाब से एक्सपेंसेस है, क्यों? एग्जांपल क्या, एक बात मुझे बताओ, आपने न्यूज से एग्जांपल, आपने ऑफिस पर्पस के लिए प्रिंटर परचेज किया, ओके, क्या प्रिंटर के लिए आपको कागज की आवश्यकता होती है, तो कागज से स्टेशनरी आइटम, इंक परचेज किया स्टेशनरी आइटम। से एग्जांपल कोचिंग क्लास है, इस कोचिंग क्लास में मार्कर इस अल्टीमेटली क्या बेटा, प्रिंटिंग स्टेशनरी आइटम है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्लियर। अब इसमें इंक लगती है, इंक इज अगेन क्या बन जाए, अब इंक तो खत्म होगी अभी अभी, इसे क्या बन जाएगा आपके पास बेटा, एक्सपेंसेस बनेगा। इज इट क्लियर, गो डाउट, यस प्लीज पूछे। यस प्लीज, क्या समझना आपका डाउट, कौन सा क्वेश्चन नंबर 4 का पॉइंट नंबर 11, हाँ आपका डाउट है प्लीज बोले वापस। एक्सपेंसेस क्यों, क्या आप सभी का डाउट है सर, गुड्स आपने परचेज किया तो उससे स्टॉक बढ़ता है, और स्टॉक बढ़ता है और स्टॉक अगर नहीं बिका तो इन्वेंट्री बनेगा, और इन्वेंट्री बनेगा तो असेट्स बनेगा, तो गुड्स परचेज जो किया है वो अल्टीमेटली आपका क्या होना चाहिए बेटा, एक्सपेंसेस नहीं होना चाहिए, मतलब आपका असेट्स होना चाहिए, ऐसा आपका मानना है, हाँ है ना, ये बोलना है तो गलत मानना है बेटा, सिंपल समझना लॉजिक बेटा। क्या गुड्स आपने परचेज किया तो बेचने के लिए परचेज किया है या रखने के लिए परचेज किया है, बेचने के, तो आज गुड्स परचेज किया है ये तो एक्सपेंसेस है पहली बात, और एक्सपेंसेस है क्योंकि ये गुड्स बिकेगा, गुड्स अगर नहीं बिकेगा तो स्टॉक बनेगा। क्या आपको ये पता है क्या क्वेश्चन, जो गुड्स आपने परचेज किया अभी तक नहीं बिका, जितना नहीं बिकेगा उतना एलिमेंट स्टॉक बनेगा और उतना एलिमेंट असेट्स का पार्ट बनेगा। अभी तो हमने पेमेंट किया है ना, स्टॉक तो क्या होता है, गुड्स परचेज कर चुके हैं और उसका वो गुड्स बच गया है, तो बचा हुआ एलिमेंट अल्टीमेटली क्या बनेगा, स्टॉक बनेगा। पर जो गुड्स हमने आज परचेज किया है इसको वापस हम सेल करेंगे, अब सेल हुआ है या नहीं हुआ है, क्या इसकी कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है क्या, नहीं, तो आज जो परचेज किया है आज तो आपका क्या बन गया, एक्सपेंसेस। अगर ये गुड्स एट द एंड ऑफ द ईयर बच जाएगा, जितना बच जाएगा उतना एलिमेंट क्या बनेगा, स्टॉक बनेगा, ये तो एंड ऑफ द ईयर पता लगेगा, और वो रखे क्या बनेगा आपका, असेट्स बनेगा, वो भी आपकी
करंट असेट्स का पार्ट माना जाएगा. इज इट क्लियर? यस और डाउट पूछे बेटा. और किसके डाउट्स हैं? और किसके डाउट्स हैं? क्या सभी को समझ में अच्छे से आ रहा है? क्लियर? नाउ फटाफट से क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करें. हो गया? पहला पॉइंट कैश सेल्स इनकम. क्लियर? पॉइंट नंबर 2 ओल्ड फर्नीचर हमने बेचा, इनकम. आंसर इज नो, इज द कैपिटल रिसीप्ट्स. ये आपकी इनकम नहीं है. इस फर्नीचर को बेचने से जो प्रॉफिट होता है वो आपकी इनकम है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? पर फर्नीचर को बेचने से जितना अमाउंट रिलाइज हुआ वो अमाउंट रिलाइज इज द कैपिटल रिसीप्ट्स. बोलो हाँ है ना? और बेचने की वजह से अगर आपको क्या होता है बेटा? प्रॉफिट होता है. वो प्रॉफिट आपका इनकम बनेगा. इज इट क्लियर? दोनों में डिफरेंस है. आप लोग बॉस्ट ऑफ स्टूडेंट से क्या आप बोलते सर इनकम है, बट प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फंड्स लिखा होता तो आपकी इनकम मान लेता मैं. बट यहाँ पे क्या लिखा है? अमाउंट रिसीप्ट्स या अमाउंट प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर. ये आपका क्या बनेगा? कैपिटल रिसीप्ट्स बनेगा. क्या पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? क्लियर. अगले पॉइंट के बारे में जब चर्चा हम आपके साथ करेंगे तो अगला पॉइंट क्या होगा? पॉइंट नंबर 3 रिसीव चेक फ्रॉम बीमल ऑन अकाउंट. इनकम किस किस का बोलना है इनकम है? ये इनकम नहीं है. क्यों नहीं है? सुनना बेटा, उसका अकाउंट का पैसा. से एग्जांपल मैं आपसे बोलना चाहता हूं, मैंने उल्टा समझते हैं, अपने आप को समझो, एक बार समझ में आएगा. मैं एक बात बोलूंगा बेटा, अकाउंट तब समझ सबसे अच्छा आएगा. अब अपने आप को फील करना है, जितने भी ट्रांजेक्शन है आपके पास हो रहे हैं, आपकी जेब से पैसा जा रहा है, आपकी जेब में पैसा आ रहा है, एक बार में समझ में आएगा. आ रहा है? सुनना. सो एग्जाम्पल, आपने मेरे को 50,000 रुपए का माल बेचा, तो जब माल बेचा होगा तो आपने सेल रिकॉर्ड कर दी, या जब मैं पैसा दूंगा तब रिकॉर्ड करोगे. आप लोगों ने मुझे 50,000 रुपीज का गुड सेल किया, उधार पे क्रेडिट पे सेल किया. क्या जब सेल करोगे तब आपकी इनकम है, या जब पैसा मिलेगा तब आपकी इनकम है? हाँ, जब कैश मिलेगा तब इनकम है, जब गुड सेल किया तभी आपकी इनकम है. हाँ है ना? अब मुझे बताओ, आपने मेरे को गुड सेल कर दिया, कितने रुपए का? 50,000 रुपीज का. इनकम आज रिकॉर्ड करोगे, जब मैं पैसा दूंगा तब रिकॉर्ड करोगे? आज रिकॉर्ड करोगे. क्रेडिट सेल. अब मैं 3 महीने बाद ये पैसा आपको आके 50,000 रुपीज में देता हूं, तो 50,000 रुपए जो आपको मिल रहा है, क्या ये इनकम है क्या? नो, इट्स नॉट योर इनकम. दिस इज ओनली रिसिप्ट. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये आपकी इनकम नहीं बनेगी. क्या पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? बोलो हाँ है ना? जब सेल कर चुके थे तो इसको ऑलरेडी इनकम रिकॉर्ड कर चुके थे, करना बाकी है. जो इनकम आप रिकॉर्ड कर चुके थे उसका पैसा आपको आज सिर्फ अमाउंट रिसीव आ जा रहा, तो इनकम आपके लिए आज नहीं बनेगी. क्या पॉइंट सभी को क्लियर है? क्यों ऑन अकाउंट बोला है? मतलब अकाउंट का कुछ पैसा बाकी होगा तो. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा गया है मुझे बताओ. क्वेश्चन में क्या लिखा है? ऑन अकाउंट, बीमल ऑन अकाउंट. मतलब बीमल का कोई अकाउंट में पैसा लेना रखा हुआ होगा, हमारा लेना बाकी होगा, वो लिखा हुआ है. दिस इज कॉल्ड एज क्या बन जाएगा आपके पास? अमाउंट कलेक्ट फ्रॉम डेटर्स इज नॉट इनकम. क्या? बहुत सिंपल सी बात. आपने बचपन से 11 12 से पढ़ते आ रहे हो, डेटर्स से पैसा मिलता है, उसके आप कहां का रिकॉर्ड करो? डेटर्स अकाउंट में लेस कर रिकॉर्ड करते हो, और दूसरा आप बेटा कैश अकाउंट में. क्या इनकम होती तो क्या इससे कभी पीएनएल रिकॉर्ड कर देखा आपने कभी? क्या पीएनएल में नहीं आता है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? क्लियर? नाउ नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूं. पॉइंट नंबर कौन सा है इसके बाद? कैश रिसीव फ्रॉम जेपी स्टोर्स फॉर गुड सप्लाई इज इनकम. बोलो हाँ है ना? ये आपके आज माल आपने जेपी को सेल किया, इसके लिए पैसा आपको आज मिल रहा है. सेल तो आज ही, तो इनकम भी आज ही. मतलब आज माल आप सेल कर रहे हो, इससे पैसा मिले या ना मिले, इस बात से इनकम तो बन गया. बोलो हाँ है ना? क्लियर. अगले पॉइंट के बारे में आप लोगों से यहां बात करते हैं. पॉइंट नंबर 5, हमने 10,000 रुपए का लोन लिया. बोलो हाँ है ना? तो ये लोन आपके लिए कभी भी इनकम नहीं होती है. ये आपको ये तो ऑब्लिगेशन है. क्लियर? ये आपकी इनकम नहीं है. अगले पॉइंट के बारे में जब आप लोगों से हम बात करते हैं, रिसीव कैश फ्रॉम मिसेस मोहनलाल एंड कंपनी बीइंग अमाउंट ड्यू फॉर सेल ऑन क्रेडिट, ये भी आपकी इनकम नहीं है, क्योंकि ये अमाउंट ड्यू है. कौन सा? हमने कभी उसको पहले उधार माल बेचा था, उसका पैसा ना आज मिल रहा, तो ये इनकम आज नहीं है. जब हमने उसको सेल किया था तभी उसकी हम इनकम रिकॉर्ड कर चुके हैं, तो आज वापस रिकॉर्ड करने की आवश्यकता नहीं है. सर वहां तो बोला ऑन अकाउंट, बोला ऑन अकाउंट मतलब अकाउंट में हम ट्रांसफर कर चुके हैं. बोलो हाँ है ना? क्लियर.
नाउ अगले पॉइंट के बारे में आप लोगों से बात करता हूं. रिसीव 550 एज ए इंटरेस्ट, ये आपकी इनकम है. क्लियर? कमीशन आपको मिला, ये आपका इनकम है. बोलो हाँ है ना? क्लियर? हाँ क्लियर. नाउ रिसीव बैक रुपीज 10,000 एज ए लोन, ये आपकी इनकम नहीं है. एंड कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, ये भी आपकी इनकम नहीं है. अरे आपका पैसा बैंक में जमा के पैसा निकाल लोगे तो क्या इनकम है क्या? अरे से एग्जाम्पल, आप हर महीने ट्यूशन पढ़ाते हो, से एग्जाम्पल ट्यूशन फीस मिलती है और ट्यूशन फीस को बैंक में जमा कर देते हो, क्या पैसा निकालोगे वापस इनकम? नहीं, ये आपकी इनकम नहीं है. क्लियर? यहाँ का क्वेश्चन नंबर 5 खत्म होता है. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6. स्टार बनाओ उस क्वेश्चन पे. इस क्वेश्चन को सीखने में बहुत कुछ मिलेगा अब आपको. क्वेश्चन नंबर 6 पे है आप लोग. क्वेश्चन नंबर 6 पे है. क्वेश्चन नंबर 6 को फटाफट से पूरा पढ़े आप लोग. क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है? फॉलोइंग आर द ट्रांजेक्शंस है, इनकी आपको अकाउंटिंग एंट्री पास करने के लिए आपसे बोला गया. ये बोला गया, मैं चाहता हूं सूर्य की 4-5 एंट्री आप लोग खुद पास करें, बहुत मजा आएगा इसके अंदर. खुद सॉल्व करो. आप बता दो इस क्वेश्चन नंबर 6 में डेट गिवन है 1 मार्च, 3 मार्च, 5 मार्च, 6 मार्च और 8 मार्च. ना ना सिंपल, आप फॉर्मेट बनाओ तो अच्छी बात है. ये आप सिंपल एंट्री पास करें उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. क्वेश्चन नंबर कौन सा बड़ा? 6. और ये क्वेश्चंस प्लीज ईमानदारी से आप लोग क्या करना, सॉल्व करना, ध्यान समझना. ये डेबिट का कॉलम है और ये क्रेडिट का कॉलम है. आपको बेटा ये LF वगैरह लिखने की आवश्यकता नहीं है. डेट लिखने का लिख दो, चलो क्यों छोड़ते हो. डेट पर्टिकुलर LF डेबिट और क्रेडिट. वन मोर थिंग, प्लीज ईमानदारी से सॉल्व करना, कोई किसी की हेल्प मत करना. मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, सुनो ध्यान से. जिसकी मैंने बोला कहां तक एंट्री पास करने की बेटा, आपको बेटा आपको सिर्फ 8 मार्च तक की एंट्रीज पास करनी है. जिसके सभी एंट्रीज सही होगी उसको प्राइज मिलेगा कल सभी को 5. जिस जिसके सही होगी, एक भी गलती नहीं होनी चाहिए, एक सिंगल अमाउंट गलत नहीं होना चाहिए. और 1 मार्च, 3 मार्च, 5 मार्च जितने भी, जिस जिसका सही होगा सबको 5 स्टार मिलेगी. बस कंडीशन इज दैट नरेशन लिखने की आवश्यकता नहीं है. मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, सुनो ध्यान से, प्लीज सुन लो मेरी बात. फिर मौका चूक जाओगे सर, बोलोगे सर हम तो मौका चूक गए, आपने पहले बताया नहीं. पहली बात, कोई किसी के देखेगा नहीं, आपको सेल्फ डिसिप्लिन आपको होना चाहिए. दूसरा, एक भी एंट्री गलत नहीं होनी चाहिए विथ अमाउंट, और डेबिट क्रेडिट में भी गलती कुछ आपको नहीं होना चाहिए. अगर जिसकी सारी एंट्री सही है, कहां तक बेटा, 1 तारीख की, 3 तारीख की, 5 तारीख की, 6 तारीख की, 8 तारीख की, ये सारी एंट्री अगर आपकी सही है तो आपको, जिसकी सारी सही होगी, एक भी सही नहीं, सारी जिसकी सही होगी उसको 5 स्टार मिलेगी. अब सॉल्व करें और प्लीज कोई किसी की हेल्प ना करें, सिर्फ 5 स्टार के पीछे. सारे हो गए बड़ा 5 स्टार का मामला है, समझे? बात ही नहीं, वैसे ये मत बोलना बेटा. सो गुड, अच्छी बात है. और ईमानदारी से ही आप लोग सही गलत बताना कि हमारा सही हो. बड़े इधर क्या नाम है, दोनों बेंच किस लिए अपने पास, ऊपर लिख के रखो ना. अच्छा नोटबुक नहीं है, कहाँ है? नोटबुक में लिखो ना, सर गलत हो जाएगा तो. है एक बात बोलना चाहूंगा बेटा, मैं आप लोगों से भी क्वेश्चन सॉल्व करने दे रहा हूँ, तो बहुत से स्टूडेंट्स कुछ पेंसिल से सॉल्व कर रहे होंगे, नहीं करने का. पेंसिल करो, भरोसा रखो आपका सही होगा. आपके दिमाग में पहले से थॉट बना हुआ है कि यहाँ गलत हो जाएगा तो सही कैसे होगा? सिर्फ
8 ऑफ मार्च तक की एंट्रीज पास करनी है, फटाफट से पास करें। डन, नोटबुक बंद। जिसका किस कोई कोई स्टूडेंट्स ऐसे कौन कौन स्टूडेंट जो नॉन कॉमर्स के आपसे होगा जिनका अकाउंट्स से पास होकर यहाँ पे आ गए हैं बट भगवान भरोसे पास हो गए हैं, ऐसा कोई है क्या जो बिना टीचर के 11th 12th पढ़ के यहाँ तक पहुंच गया है? ठीक है, क्लास के बाद मिलना मुझसे आप ना। सिर्फ दो बच्चे के क्वेश्चन सही है, ओनली टू स्टूडेंट्स के, बाकी सबके गलत है।
बहुत अजीब सी बात है। और जिन जिन की नोटबुक में मैंने पेपर रखा है, नोट्स रखे हैं, कौन कौन है वो दो, एक तो एक और दो बाकी बाहर निकालो उसको फटाफट से, नोट्स बाकी सभी के गलत है। और देखो सिर्फ मैंने अभी तो कुछ खास पढ़ाया नहीं है, आप क्वेश्चंस को ध्यान से आपने पढ़ा ही नहीं है। प्लीज क्वेश्चन की पहले इनको बहुत अच्छे से पढ़ो। द फॉलोइंग वर ट्रांजेक्शंस ऑफ पन्नालाल ब्रदर्स एज ए फर्नीचर डीलर। अब फर्नीचर डीलर है तो फर्नीचर परचेज करेगा तो उसके लिए गुड्स है। अरे फर्नीचर बचेगा तो उल्टा उसके लिए अल्टीमेटली क्या, उसके लिए सेल है। तो आपने से एग्जाम्पल मैं पहली एंट्री पास करता हूं, बड़े आपको समझना। पहली एंट्री मार्च 1 की बात कर रहा हूं बेटा आप लोगों से, बिजनेस स्टार्ट किया। और प्लीज ध्यान समझना, मैं पहली एंट्री को ध्यान समझना, एंटिटी पन्नालाल, ध्यान समझना एंटिटी और पन्नालाल, इधर मेरा क्या नाम है आपका, यस प्लीज ध्यान समझना, आपको समझ में आया कोशिश करिएगा आप, ध्यान समझना। कल मैंने 3 अकाउंट बताए थे, रियल नॉमिनल पर्सनल लिखे थे, कुछ समझ में आया उससे, कुछ समझ में थोड़ा बहुत समझ में आया, ठीक है ध्यान समझना। ये पहले एंट्री समझना बहुत काम की आपके लिए, इससे आपको बहुत फंडामेंटल क्लियर होंगे और आपके लिए तो सबसे अच्छी, मैं कह रहा हूं आप सबसे ज्यादा प्लस में रहोगे। क्यों? तो आपको अकाउंट्स नहीं आता है। मेरे लिए सबसे ज्यादा टिपिकल पढ़ाना होता है किसी जो ऑलरेडी पढ़कर आ रहा है, जो पढ़ के नहीं आ रहा है वो हमेशा हाँ ही करेगा। ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, जो ऑलरेडी पढ़ के आ रहा है ना उससे ही मेरे थोड़े से कॉन्ट्रोवर्शन होंगे कि हमने तो ऐसा पढ़ा था, आप तो ऐसा पढ़ा रहे हो, हम 2 साल तो पढ़ के आ रहे हैं, भले पढ़ के उससे क्या फर्क पड़ता, बचपन से जो काम करते हो हमेशा सही होगा, ऐसा नहीं है। तरीका चेंज हो सकता है और तरीका बेहतर बन सकता है। तो आपके लिए तो हर चीज विन विन पोजीशन है। आप 0 पे हो तो 0 से आपको ऊपर लेके आना है। इनमें से बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो माइनस में, माइनस से 0 पे हो, 0 से मुझे प्लस पे लेके आना है। तो आप तो अभी आप कहां पर हो, 0 लेवल, तो आप अपने आप को सुपीरियर समझो, आई एम द बेस्ट, तो आपसे अकाउंट्स बन जाएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, क्लियर, ध्यान समझना, अकाउंट्स सबसे आसान सब्जेक्ट इन 4 सब्जेक्ट में से, बस आपके फंडामेंटल बहुत क्लियर होना चाहिए, ध्यान समझना। हम जब भी अकाउंटिंग करेंगे सबसे पहले हम ई को आइडेंटिफाई करेंगे। ई मतलब कौन, एंटिटी। एंटिटी मतलब हमें अकाउंटिंग किसके लिए करनी है सबसे पहले ये पता करो। तो हमें अकाउंटिंग करनी है बिजनेस के लिए, तो बिजनेस इज माई एंटिटी। बोलो हम यहां पे अकाउंटिंग करें किसके लिए, बिजनेस के लिए। पॉइंट बहुत आसान है पर स्टिल आपको ध्यान समझने का। दूसरा एंटिटी, अब ये एंटिटी के पास पन्नालाल ने कैश दिया, बोलो तो आपके पास कैश आया, पन्नालाल ने क्या दिया, क्या दिया पन्नालाल ने, कैश दिया, कितने रुपए का, अब बेटा बोलते दो कम से कम, 12,000। पन्नालाल ने और क्या दिया, चेक दिया, बैंक 8,000। पन्नालाल ने फर्नीचर दिया, कितने रुपए, यहां समझना बेटा, बेटा एंटिटी यहां पे हम है, इसीलिए हम कौन है बेटा, एंटिटी। हमारे पास क्या आया, कैश आया, क्या आया, बैंक आया, क्या आया, फर्नीचर आया। और ये कौन है बेटा, पन्नालाल, जो बिजनेस का मालिक है, जो बिजनेस का कौन है बेटा, मालिक है। इस मालिक ने बिजनेस में पैसा दिया, आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स। तो सबसे पहले बेटा पन्नालाल, इधर क्या नाम, नाम क्या आपका, श्रुति, बेटा पन्नालाल कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट, नॉमिनल है, पर्सनल। और प्लीज कोई आप हेल्प मत करना, बिल्कुल हेल्प मत करना, अगर आप इनकी हेल्प कर रहे हो मतलब इनको आप फेल करवाओगे, ये रखना। ये कौन सा, बिंदास गलत, सेकेंडरी मैटर है, बोलने की कोशिश को सबसे पहले। तो पन्नालाल कौन सा अकाउंट है, रियल नॉमिनल पर्सनल, बिंदास होके बोलने का, और नहीं आता ही बोला समझ नहीं आता, ये बोलने का। अगर आप मुझे जब तक आप नहीं बताओगे तब तक मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा, आपको खुद को बोलना पड़ेगा, मुझे नहीं पता कौन सा अकाउंट है, बिंदास बोलो, डरने का नहीं, नहीं आता, गुड शाबाश, अच्छा लगा, कम से कम ये तो बोला, ध्यान समझता। अकाउंट्स में जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उनको 3 तरह में क्लासिफाई करते हैं, मैं आपको रिपीट करता हूं, स्पीड में देखना बेटा। पहला रियल अकाउंट, रियल मतलब कोई भी चीज है, असेट्स से रिलेटेड है, कोई भी चीज काइंड से रिलेटेड है, बात खत्म, उससे क्या बोलेंगे अपन बेटा, काइंड है, मतलब कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। सेकेंड अकाउंट बोल रहा हूं पर्सनल अकाउंट, कोई
कोई भी चीज किसी पर्सन से रिलेटेड अकाउंट है, किससे रिलेटेड बेटा, पर्सन से रिलेटेड अकाउंट है या रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है तो उस अकाउंट कौन सा बोलेंगे, पर्सनल अकाउंट बोलेंगे। नेक्स्ट अकाउंट कौन सा आपके पास बेटा, नॉमिनल अकाउंट। क्लियर, नॉमिनल अकाउंट मतलब क्या, अगर कोई भी एक्सपेंसेस है, कोई भी आपकी क्या बेटा इनकम है, कोई भी आपका क्या बेटा प्रॉफिट है, कोई भी आपका क्या बेटा गेन है, तो इनमें से कोई भी चीज दिख रही उस अकाउंट क्या बोलेंगे, नॉमिनल अकाउंट बोलेंगे। इज इट क्लियर? अब ध्यान समझना, पन्नालाल कौन सा अकाउंट बनेगा बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, दिस इज द पर्सनल अकाउंट। इज इट क्लियर? कैश कौन सा अकाउंट है बेटा, कैश क्या है बोलो, बोलना नहीं आप बोलो, कैश आपके पास आ रहा है, यू कैन टच इट, क्या आपके पास 100 रुपए नोट रखा हुआ है, फिल टच करो, इज द रियल अकाउंट। बैंक कौन सा अकाउंट, नॉमिनल नहीं हो सकता है बेटा, क्या बैंक इनकम है, बैंक क्या खर्चा है, रियल नहीं है बेटा, क्या बैंक इज द पर्सनल अकाउंट, मैंने बोला रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, क्या बैंक से पैसा लेना तो बैंक देना की पार्टी है, बैंक कोई व्यक्ति विशेष तो है, यस, इसलिए कौन सा अकाउंट बनेगा बेटा आपके, वो रियल अकाउंट। फर्नीचर कौन सा अकाउंट है, फर्नीचर खर्चा है या असेट्स, ओ बैंक इज द पर्सनल अकाउंट, सॉरी यार बेटा, हाँ फर्नीचर कौन सा अकाउंट है बेटा, क्या बिजनेस में फर्नीचर से असेट्स क्रिएट होती है, देख खर्चा तो है पर इस खर्चे से बेनिफिट एक साल मिलेंगे, मोर देन वन ईयर मिलेंगे बेटा, बेनिफिट आपको एक साल मिलेंगे, एक से ज्यादा मिलेंगे बेटा, एक से ज्यादा, तो इसको हम क्या बोल देंगे, कोई भी आप खर्चा करते हो और इसके बेनिफिट एक से ज्यादा साल मिलते हैं तो हम क्या बोल देंगे, असेट्स, सिंप्लीफाई में ये क्या बन गया आपके पास, असेट्स। असेट्स कौन सा अकाउंट है बेटा, अब मुझे बताओ ध्यान समझना, रियल अकाउंट के लिए फंड है क्या बेटा, डेबिट वॉज कम्स इन, क्रेडिट वॉज गोज आउट, मतलब कोई चीज आ रही है, आ रही है डेबिट, जा रही है क्रेडिट, अगर कोई रियल चीज आती है तो उसे डेबिट करेंगे, कुछ रियल चीज जाती है तो क्या कह रहे हैं हम, क्रेडिट करेंगे। अब मुझे बताओ यहां पे फर्नीचर आ रहा है जा रहा है, आ रहा है बिजनेस में आ रहा है बोलो, तो क्या करेंगे इसको हम, डेबिट। पर्सनल है बेटा, जो दे रहा है उससे हम डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे, जो दे रहा है ध्यान समझना, दो बातें होंगी, देने वाले को हम क्रेडिट करेंगे बेटा और लेने वाले को हम डेबिट करेंगे। तो हमारे पास पर्सनल, ये कौन सा अकाउंट है बेटा, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट मिल रहा है, आ रहा है, जा रहा है, मिल किसको रहा है, बैंक को, पर्सनल अकाउंट है, ठीक है, लिखा लेने वाले को, मतलब जिसको मिल रहा है, मिल किसको रहा है, किसको मिल रहा है बेटा पैसा, किसको मिल रहा है, बैंक को मिल रहा है बोलो, है ना, एंटिटी को मिल रहा है, और एंटिटी पैसे दे किसको दी बेटा अल्टीमेटली, वापस बैंक को, तो अल्टीमेटली बैंक यहां पे रिसीवर है, अल्टीमेटली क्या होगा, डेबिट द रिसीवर, इसको भी हम क्या करेंगे बेटा, डेबिट करेंगे। थोड़ा टफ लगेगा, धीरे धीरे हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेक्स्ट, कैश आ रहा है जा रहा है, कौन सा अकाउंट, रियल, डेबिट होगा क्रेडिट होगा बेटा, सॉरी सही बोला आपने, बोलो डेबिट, क्यों, आ रहा है तो डेबिट करेंगे, इसलिए हम कह रहे हैं इसको बेटा डेबिट, घबराने का नहीं, टेंशन लेने का नहीं, इज इट क्लियर। अब ये पन्नालाल कौन है बेटा, पर्सनल अकाउंट, दे रहा है या ले रहा है, दे रहा है, देने वाले को हम क्या करेंगे, किस तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। इज इट क्लियर, ध्यान से समझने का। अब आगे बात करते हैं बेटा, अगला पॉइंट क्या होगा देखें आप लोग बेटा, तो कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, अकाउंट विथ टू पन्ना लाल एंड ब्रदर्स, क्या पॉइंट सभी को क्लियर है, कितना अमाउंट है बेटा आपके पास, 12,000 रुपीज, 8,000 रुपीज, 5,000 रुपीज,
क्या सभी ने यही किया? जस्ट मैं डाउट समझ सर यहाँ कैपिटल क्यों लिखा, ये डाउट है? ठीक है, आपका मोस्ट ऑफ डाउट समझ, आपने यहाँ पे पन्नालाल कैपिटल क्यों लिखा? क्या आप यहां से सिर्फ आप कैपिटल लिख देते तो काम बन जाता, या आप यहां पर पन्नालाल कैपिटल भी लिख सकते हो? ये तीनों ही चीजें सही है, गलत नहीं है, पर हमें हमेशा लिखेंगे पन्नालाल कैपिटल या ये सिर्फ पन्नालाल नहीं लिखेंगे। सिर्फ पन्नालाल लिखने से ये इंडिकेट होगा कि हमें पन्नालाल को पैसा देना है, ये हमारी लाइब्रेरी बन जाएगी और ये हमारी आउटसाइड लाइब्रेरी बन जाएगा। तो हम पन्नालाल कोई और व्यक्ति भी हो सकता है, इसलिए हम पन्नालाल कैपिटल लिखेंगे। इससे समझ में आएगा ये बिजनेस का मालिक है, इसने पैसा लगाया है, इसलिए पन्नालाल कैपिटल या कैपिटल लिखते हैं, दैट्स इट। इसके अलावा और कोई लॉजिक नहीं है। अगर टू पन्नालाल लिखोगे तो भी उसे सही माना जाता है, उसे गलत नहीं माना जाएगा। इज इट क्लियर? अब दूसरा पॉइंट, बड़े ध्यान से आप लोग समझना, दूसरा पॉइंट क्वेश्चन में क्या बोलता है? बॉट फर्नीचर फ्रॉम आर ब्रदर्स, ध्यान समझना, हमने मनमोहन सिंह बड़ा, ध्यान समझना, ये एंटिटी है और कौन रहा एक आर ब्रदर्स, इससे हमने फर्नीचर परचेज किया है। क्या पॉइंट सभी को क्लियर है? तो बेटा फर्नीचर कौन सा अकाउंट है बेटा? कोई बोलेगा नहीं बेटा, आप ही बताओ फर्नीचर कौन सा अकाउंट है बेटा? रियल अकाउंट है, बहुत बढ़िया, ये रियल अकाउंट, दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आर ब्रदर कौन सा अकाउंट है बेटा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इतना तो देखो अकाउंट्स आ तो गया आपको, मुझे बताओ क्या है अकाउंट्स? कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये चीज अच्छे से आनी चाहिए, दैट्स इट। थोड़ा सा आप लोग फ्रेंड है बेटा, ये कॉमन फ्रेंड हो तो इस हेल्प करना, बाकी कल क्लास के बाद मिलना, मैं आपको और अच्छे से चीजें क्लियर करूंगा। ध्यान समझना, रियल अकाउंट, और ये कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट, क्लियर। अब ये तो कौन है बेटा, गिवर है या रिसीवर? गिवर, इसको बेटा हम क्या करेंगे? क्रेडिट, श्रुति क्लियर। रियल अकाउंट है, इसको हम क्या करेंगे? डेबिट। इज इट क्लियर? पर समझना, आप लोगों ने एंट्री पास की मार्च, कौन सी डेट है बेटा ये? 3। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने एंट्री पास की फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू क्या बेटा? आर ब्रदर्स। कितने रुपए से बेटा? 2000 रुपए से, और 2000 रुपए से ये एंट्री गलत है, फर्नीचर नहीं आ सकता। क्या जिस व्यक्ति ने फर्नीचर परचेज किया उसका फर्नीचर खरीदने बेचने का बिजनेस है? हाँ या ना? तो अगर वो फर्नीचर खरीदने बेचने का उसका बिजनेस है, तो अगर वो फर्नीचर परचेज करेगा तो उसके लिए गुड्स परचेज होगा या असेट्स परचेज होगा? गुड्स परचेज होगा, इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे बेटा यहाँ पे? परचेज ऑफ गुड्स। ये अकाउंट क्या बन जाएगा आपके लिए? नॉमिनल अकाउंट बन जाएगा। क्या बनेगा आपके पास? नॉमिनल अकाउंट। यहां पे फिर आएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू आर ब्रदर्स। ये क्वेश्चंस मैंने जानबूझ के नहीं करवाया, क्योंकि इससे ये समझ में आता है जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो आपका फोकस क्या होता है? सिर्फ सॉल्व करने पे होता है, क्वेश्चन के फंडामेंटल चीजों पे आप नहीं ध्यान देते हो, इसकी वजह से आपके मार्क्स कट जाते हैं। क्वेश्चन की पहली लाइन ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन की पहली लाइन में लिखा था क्या जो भी पन्नालाल है फर्नीचर का डीलर है, तो फर्नीचर खरीदने बेचने का वो काम करता है, दैट्स मतलब कोई भी चीज आप परचेज करते हो सेल करने के लिए, दिस इज द गुड्स। कोई चीज अगर आपने परचेज की है फर्दर सेल करने के लिए तो आपका क्या बन जाएगा? गुड्स बन जाएगा। पर कोई चीज आप परचेज करके रख लेते हो और वहां पर सेल करने का उसका ऑब्जेक्टिव नहीं है इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, प्लीज दो चीज को ध्यान समझना, बहुत अच्छा पॉइंट है। अगर आपने कोई भी गुड्स परचेज किया फर्द या कोई भी चीज, कोई भी काइंड, सुनना ध्यान से, अगर कोई भी काइंड आप परचेज करते हो फर्दर सेल करने के लिए इन द ऑर्डिनरी इन द कोर्स ऑफ ऑर्डिनरी बिजनेस, मतलब कोई चीज आपने खरीदी वापस बेचने के लिए क्योंकि आपका बिजनेस ही है, तो जो चीज आपने परचेज की है इसे गुड्स कहा जाएगा। बट कोई चीज आपने परचेज की फर्दर सेल करने के ऑब्जेक्टिव से नहीं, अपने बिजनेस में यूज करने के ऑब्जेक्टिव से करने से, उसे क्या बोलेंगे? असेट्स कहा जाएगा। उसे क्या कहा जाएगा? असेट्स कहा जाएगा। तो नाउ ध्यान समझना, परचेज अकाउंट डेबिट
टू आवर ब्रदर्स, क्योंकि ये गुड्स हमने परचेज किया सेल करने के ऑब्जेक्टिव से। सर कहां लिखा हुआ? अरे फाइनेंशियल डीलर हो तो गुड्स फाइनेंशियल परचेज क्यों करोगे मुझे बताओ, बेचने के लिए या खरीदने के लिए? बेचने के लिए, रखने के लिए? बेचने के लिए। ये आपका ये रियल अकाउंट नहीं बनेगा, ये आपका क्या बनेगा? नॉमिनल अकाउंट बनेगा। डेबिट क्या होगा? परचेज अकाउंट डेबिट होगा। फाइव स्टार दे रहा हूं तो मतलब ऐसे नहीं दूंगा, ध्यान रखना। मिलेगी अभी थोड़ी, कल मिल जाएगी। हाँ सर कल मिलेगी, पक्का मिलेगी। समझ में आए तो चीजों को बहुत ध्यान समझने का। अगर कोई क्वेश्चन फाइव स्टार वाला है, क्वेश्चन दिखने में आसान होगा बट वो हल्का सा ट्रिकी होगा। उस क्वेश्चन में ऐसी चीज होगी जहां आप गलती कर सकते हो, सो इस चीज का आप लोग ध्यान रखना, गलती ना हो। क्या गलती बड़ी है छोटी है? गलती बहुत बड़ी है। आप नहीं इस पर फोकस करते हो, बट ये भी तो इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी सही होने का, ये भी सही होने का। क्योंकि अगर आपने, अब मुझे बताओ, एंट्री पास कर ली, इसकी आप पोस्टिंग करोगे, आप पोस्टिंग क्या करोगे? फर्नीचर अकाउंट डेबिट कर दोगे, जबकि ये ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट होना चाहिए था। डेबिट कहाँ होगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। आपने फाइनेंशियल लिखा मतलब बैलेंस शीट की असेट साइड में शो होगा, जबकि ये असेट साइड में शो कब होगा? जब आपका असेट्स बनेगा। असेट्स है या परचेज है? परचेज है। अगर माल नहीं बिकेगा तो बचेगा, तो इसे हम बोलेंगे स्टॉक बोलेंगे, फर्नीचर नहीं बोलेंगे। अगर फर्नीचर हमने बेचा, फर्नीचर हमने परचेज किया और बिकने से रह गया, तो फर्नीचर थोड़ी है, वो आपका स्टॉक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? यस, पूछे आप बेटा। यस वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग का क्वेश्चन देखो यहां से, आपका क्वेश्चन बनना चाहिए बेटा। आपने बोला सर ये जो फर्नीचर आया है तो यहाँ पे फर्नीचर नहीं आना चाहिए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, वहां ब्रैकेट में लिखा फॉर ऑफिस, मतलब ऑफिस पर्पज के यूज करने के लिए है। मतलब जहां गल्ला होता है, क्या गल्ले के लिए फर्नीचर बना होता है? तो वो क्या सेल करने के लिए है या यूज करने के लिए? जवाब दो। से एग्जांपल, मान लो आपके पेरेंट्स का फर्नीचर का बिजनेस है। लेट एग्जांपल यू अज्यूम दैट कि आपके पापा का फर्नीचर का क्या है? बिजनेस है। आपके पापा ने क्या किया, घर पे बेंच रखा हुआ था उसको लेकर आए और उस पर बैठ के, चेयर रखा हुआ था घर पे, टेबल और चेयर रखा हुआ था वो लेकर आए, उससे फर्नीचर का बिजनेस शुरू किया। तो उस चेयर पे बेच रहे हैं, चेयर पे बैठ के बिजनेस करते हैं। तो चेयर बेचने के उद्देश्य से लाए या यूज करने के उद्देश्य से लेके? तो वो स्टॉक है या असेट्स है? स्टॉक, यस असेट्स, असेट्स। इसलिए मैं फर्नीचर यहाँ पे लिखा बेटा। बट अगर मैंने यहाँ पर, अगर ये फर्नीचर लिखा हुआ होता तो यहाँ परचेज बन जाता, गुड्स बन जाता, फिर फर्नीचर यहाँ पर नहीं आता। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इज इट क्लियर? यहाँ पे भी क्या आएगा बेटा? परचेज आएगा। क्या समझ में आया? अरे यार क्या पॉइंट सभी को समझ में अच्छे से आया? नहीं आया? समझना एक बार। यस प्लीज ईमानदारी से हाथ खड़ा करो, समझ में नहीं हाथ खड़ा करो। यस एक बेटा एक बात बोलूंगा आप लोगों को, प्लीज आपको मैं एक बहुत सिंपल सी बात बोलूंगा, जीवन उसको उतारना। आप अभी लर्निंग फेज पे हो तो सरमाया मत करो कि हमें नहीं आता, बिंदास होके अभी बोल दो। क्या ज्यादा लोग, बच्चे लोग हंसेंगे, क्या फर्क पड़ता है मुझे बताओ? अगर अभी आप नहीं पूछोगे, आगे आप पहुंच जाओगे और फिर अगर ये चीज आपको नहीं है तो फिर दुनिया हंसेगी। इससे अच्छा है आज 50 लोग हंस रहे हैं, ये ज्यादा अच्छा है 500 लोगों से हंसने से बेहतर। तो बिंदास होके कोई भी चीज आए, बिंदास होके मुझसे पूछने का, क्लास के बाद रुकने का, सर हमें समझ में नहीं आया, बिंदास होके। मैं क्लास के बाद रुकता नहीं हूँ, आप प्लीज बहुत जल्दी आ जाएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि बच्चा इंटरेस्टेड नहीं होगा, तो मेरा सबको क्लियर हो गया होगा। तो जैसे मैं हूँ, बैच खत्म, जैसे मैं थैंक यू बोलूँ, फटाफट से मेरे पास आने का और डाउट्स पूछ लिया करो, बिंदास होके बैठा ना, क्लियर। अब आपका बोला सर आप लोगों ने फर्नीचर लिखा है यहाँ पे, फर्नीचर परचेज किया, बट मुझे बताओ जिस व्यक्ति ने फर्नीचर परचेज किया उसका ऑब्जेक्टिव फर्नीचर बेचना है या फर्नीचर यूज करना है? तो फर्नीचर, तो मैंने अभी एक बात बोली थी, कोई भी काइंड, कोई भी आइटम आपने परचेज किया सेल करने के ऑब्जेक्टिव से, तो आपका गुड्स बनेगा, और गुड्स परचेज मतलब परचेज अकाउंट हो डेबिट, बोलो हाँ है ना। बट अगर मैंने कोई असेट्स परचेज किया बेचने के उद्देश्य से नहीं, बिजनेस में यूज करने के लिए, हेल्ड करने के लिए, तो उसे क्या बोलेंगे? असेट्स बोलेंगे। तो बेटा मुझे बताओ, ये पन्नालाल का फर्स्ट क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन पढ़ो बेटा, पन्नालाल क्या फर्नीचर डीलर, इसने आज फर्नीचर परचेज किया तो क्यों किया? सेल करने के लिए किया होगा। प्रिंटिंग स्टेशनरी वाला, एक स्टेशनरी की शॉप वाला, मान लो स्टेशनरी मार्केट जाता है और वहां से बहुत सारे पेन खरीद के लेके आता है, खुद के यूज के लिए, बेचने के लिए, तो उसके लिए अल्टीमेटली क्या है? गुड्स है। वापिस उसके लिए क्या है? परचेज है। आया समझ में? इज इट क्लियर नाउ? अब ये सारे पॉइंट समझ में आ जाएंगे बेटा। अब मैं थर्ड पॉइंट के बारे में आप लोग, थर्ड हो गया बात, फिफ्थ के बारे में आप लोगों से यहाँ बात करता हूँ फटाफट से। फिफ्थ के लिए क्या होगा, ध्यान समझना, बॉट फर्नीचर फॉर द ऑफिस। ये एंट्री क्या पास होगी बेटा आपके पास? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू
वर्ष, कितना? यह एंट्री आपकी सही होगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सही भी की तो भी है, खुश होने की आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं है। ये क्लियर? खुश तो होना चाहिए था अगर ये एंट्री आप खुद पास करते हैं। दो नेक्स्ट एंट्री क्या बेटा, मार्च 6 के बारे में बात करता हूं कि आपने फर्नीचर को बेचा, तो आप लोगों ने एंट्री क्या, जे जाजू को आपने क्या बेचा, फर्नीचर बेचा, तो जे जाजू अकाउंट डेबिट टू क्या होगा बेटा, सेल्स होगा, टू फर्नीचर नहीं होगा। हाउ मच अमाउंट, क्या क्वेश्चन अच्छा लगा देखने में, बहुत सिंपल लगा। हाँ, अब आपका क्या यहां तक समझ में आया, ये सारी एंट्री सही है। अब आपका डाउट है सर यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट डेबिट क्यों किया, यहाँ पे पर्चेज अकाउंट डेबिट करना चाहिए था, बट ये जो फर्नीचर हमने परचेज किया फॉर ऑफिस लिखा है, ऑफिस में यूज करने के लिखा है, इसलिए क्या बनेगा वो आपका असेट्स बनेगा, वो आपका क्या बनेगा, आपका गुड्स नहीं बनेगा। आया समझ बेटा, बोलो हाँ है ना, क्लियर? इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, बाकी ये पॉइंट नंबर 8, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 31, 31, ये आपके लिए होमवर्क है, आप लोगों को ट्राई करके आने का। क्लियर? और वन मोर थिंग प्लीज, एक बात बोलना चाहूंगा, आपकी ईमानदारी आपके साथ है, सुनो मेरी ध्यान ध्यान से, एक बात में पैक करना, आपकी ईमानदारी आपके साथ होना बहुत जरूरी है। मैं हर क्वेश्चन जो होमवर्क दूंगा मैं बहुत स्पष्ट बोल देता हूँ, वो क्वेश्चन मैं क्लास में आके करवाता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि सर क्लास में हम करेंगे तो समझ लेंगे, जब तक घर जाके आप गलती नहीं करोगे तो आपको उस गलती का एहसास नहीं होगा, और गलती का एहसास नहीं होगा तो कुछ सीख नहीं पाओगे। मुझे बताओ, ये चाहता था, मुझे पता है क्वेश्चन मुझे सॉल्व करवाना है, बट मैंने पहले आपसे करवाया क्योंकि मैं चाह रहा हूं पहले आपसे गलती करवाऊं। गलती कर दोगे तो अगली बार आपको ध्यान में समझ में आएगा कि जब भी हमें क्वेश्चन को पढ़ना है तो सबसे पहले सोचना होगा एंटिटी कौन है। मैंने आपको बहुत स्पेसिफिक फर्स्ट डे से बोलता रहा हूं, बिना एंटिटी